गैस के दाम पता है आपको? जनता अपनी पॉकेट से दे रही है पैसे। सुनिए, ये हम नहीं तय करते हैं, इसके लिए एक संस्था है। कांग्रेस की भी सरकार थी और तृणमूल में दीदी भी जब सरकार में थी यही संस्था दाम तय करती थी। अगर तेल का दाम इतना बढ़ा है तो जो शेष 12 रुपया भी राज्य सरकार ले रही है, 1 रुपया कम की और आसाम 5 रुपया कम किया। वो ये काम सरकार का है, ये राज्य करेगी, केंद्र बढ़ाएगी, क्या कहेंगे इस पर? जिस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय 2013 और 14 साल की बात है, उस समय प्रति माने डॉलर माने 135 डॉलर प्रति बैलर उस समय कच्चे तेल का दाम था। आज जो है 73 रुपए है, फिर भी तेल पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है, आसमान छू रहा है, सब्जी का दाम, सब दाम बढ़ जा रहा है। कांग्रेस 70 साल राज की क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में जो बनाया मैडम, उसी को तो मोदी जी आज बेच रहे हैं ना, हर चीज प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे से एक लेकर सारे संस्थान। अच्छा, आपने चलाया ठीक था, जो बेचा जा रहा है वो सब मुनाफे में था? मुनाफे में बिल्कुल था तभी तो बेच रहे हैं। कुछ अगर बनाता नहीं गार्जियन तो बेटे बेचते कैसे? और सिर्फ वो शौचालय बनाने से देश का अगर विकास होता है तो हम लोगों ने IIT एम्स बनाकर गलती किया, देश को एरोड्रम और रेलवे देके गलती किया। कांग्रेस की सरकार ने देश को हर उन्नति का चीज दिया। अच्छा, इतनी उन्नति कर दी वाम मोर्चा ने बंगाल में 34 साल में, क्या कर दिया ये भी आप बता दीजिए जो TMC ने गलत किया? 34 सालों में जो हम लोगों ने गरीब जनता की सेवा की, आज देखा जा रहा है कि आम आदमी से मन की बात और उद्योगपतियों से धन की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुष की सरकार 2011 से लेकर 2021 इन 10 वर्षों में 2 लाख प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात थी। केंद्र सरकार ने कहा था 2 करोड़ बेकार नौजवानों को रोजगार, कहां रोजगार है? एक सवाल जरूर बनता है, आज जो CBI जा रही है अभिषेक बनर्जी के घर पर, क्या मुद्दे नहीं है तो अब सीधा आप परिवार पर अटैक कर रहे हैं? देखिए, CBI एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है। कांग्रेस की भी सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में ये CPM और तृणमूल वाले जुट करके सरकार बनाए हैं। ये स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम करती है। अगर CBI आपके घर में जाती तो आप चिंता क्यों करते हैं? अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आप लड़िए। तो राकेश सिंह क्यों नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए? तो जब कोलकाता पुलिस का DD डिपार्टमेंट राकेश सिंह को बुलाता है तो वो क्यों दिल्ली चले जाते हैं? नहीं, वो जाएंगे, एकदम वहाँ पर जाकर के हाजिर होंगे। कानून के तहत ही भारतवर्ष चलेगा, कानून के अंतर्गत सभी लोग आएंगे और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना। आप कानून भूल जाते हैं, राज्य सरकार में दिल्ली पुलिस है तो आपके खिलाफ है, कोलकाता की है तो आपके हाथ में है। ऐसी बात नहीं है, इनके पास CBI एक तोता पाखी है, जिस तोता पाखी को ये चुनाव के वक्त निकालते हैं, और इनका राज्यपाल जो यहाँ का है वो BJP का प्रवक्ता है। मुझे ये बता दीजिए कि 2006-07-08 सिंगूर नंदीग्राम में CBI की इंक्वायरी तृणमूल कांग्रेस ने मांगी थी, तब CBI कौन सी पक्षी? मैं जवाब दे रहा हूँ, उस समय CBI न्यूट्रल काम करती थी, आज CBI पूरी केंद्र सरकार के अधीन है और तोता पाखी है। जनता को ये बता दे कि उस समय आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस और BJP दोनों साथ साथ थे और बड़े बड़े कॉन्वॉय आते थे बंगाल में देखने के लिए कि नंदीग्राम में क्या हो रहा है वाम मोर्चा की सरकार के खिलाफ। ABP News आपको रखे आगे।